स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 स्टार्ट करते हैं। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताया, क्या पूछा है हमको, तो व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर। तो जो भी आपको नीचे नंबर दिया हुआ है अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो फाइनल उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो अभी देखो आप 81, तो 81 का तो कितना बड़ा स्क्वायर हो जाएगा, 272, तो उसका कितना बड़ा स्क्वायर हो जाएगा। तो पूरा करके आप फिर लास्ट डिजिट लिखोगे, उससे एक सिंपल वे बता देता हूँ कैसे करना है आपको। तो पहले 1 से 10 तक या तो 1 से 9 तक पहले स्क्वायर लिखो, 1 से 9, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, ये क्या हो गया, नंबर हो गए। अब उनके स्क्वायर लिखेंगे हम, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का 1, 2 का कितना होगा 4, 3 का कितना होगा 9, 4 का 1, 6, 5 का 2, 5, 6 का 3, 6, 7 का 4, 9, 8 का 6, 4, 9 का 81। अब देखो यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट मीन्स जो लास्ट वाला जो नंबर है ना वो आपका यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे एक ही है, तो ये तो 1 यूनिट डिजिट हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 9 हो गया, इसका 6 हो गया, इसका 5, इसका अगेन 6, इसका 9, इसका 4, इसका 1, ओके। तो ये हो गया यूनिट डिजिट। तो हम करेंगे क्या, अब तो हम क्या करेंगे कि जो हमको लाइक कोई भी नंबर दिया हुआ है लाइक 142, तो इसका यूनिट डिजिट देखो क्या है, 2, इसका यूनिट डिजिट क्या है 2। तो अब 2 यूनिट डिजिट में क्या क्या आता है नंबर लास्ट में 4, तो अगर 142 का आप स्क्वायर करोगे, क्या 142 का अगर आप स्क्वायर करोगे ना, तो 142 का जो स्क्वायर करोगे तो उसमें भी यूनिट डिजिट आपका लास्ट 4 ही आएगा, क्योंकि इसका 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो 142 में लास्ट डिजिट का आप स्क्वायर करोगे पूरे का तो भी 4 ही आएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि 12 मल्टीप्लाई 12, देखो तो 12 का स्क्वायर हमको पता है, लेकिन मैं आपको सिंपल बता देता हूँ 12 में यूनिट डिजिट क्या है लास्ट 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ओके। तो मैं बता देता हूँ कि 12 का स्क्वायर मीन 12 into 12, तो 12 into 12 कितना होता है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 120 और 12 2 24, तो 144, तो आया लास्ट डिजिट 4। तो वही बोल रहा हूँ मैं कि जिसका आपको स्क्वायर करना है उसका यूनिट डिजिट देखो, उसका स्क्वायर करोगे ना तो आपको जो स्ट्रेंथ मिलेगी उसका भी स्क्वायर उतना ही होगा। तो मान लेते 81, तो 81 में लास्ट डिजिट आपका कितना हो गया 1, 81 में लास्ट डिजिट कितना हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो इसका 81 का भी जब आप स्क्वायर करोगे तो इसका यूनिट डिजिट में भी क्या आएगा आंसर 1 ही आएगा। वैसे ही 272, क्या 272, तो यहाँ पे भी लास्ट डिजिट क्या आया 2 आया, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो उसका भी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 799, तो लास्ट डिजिट कितना है 9, 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 81, लेकिन 81 में यूनिट डिजिट क्या है 1, तो उसका भी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1। वैसे इसका लास्ट 3, तो 3 का स्क्वायर 9, लास्ट यूनिट डिजिट 9। 4 का 16, 16 में लास्ट डिजिट 6, 7 का 49, तो लास्ट डिजिट 9, 8 तो 64 तो लास्ट डिजिट 4, 0 तो 0 का तो 0 ही रहेगा क्योंकि 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, 6 का 36, 6 का 36, तो 36 में यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो उसका यूनिट डिजिट आपका क्या हो गया 5, ओके। तो ऐसे क्या करो कि आपको पूछा क्या है कि यूनिट डिजिट बताओ स्क्वायर करने के बाद, ये जो नंबर दिए उनका यूनिट डिजिट बताओ क्या होता है वो, ओके। सेकंड नंबर, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव अ रीजन। देखो अभी यही बता देता हूँ कि फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रीजन बताओ। तो देखो हम जब भी किसी का स्क्वायर करते हैं ना, हम चलो जीरो भी ले लेते हैं यहाँ पे, तो जीरो, जब भी हम किसी का परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तो लास्ट वाला डिजिट क्या होता है देखो, तो एक पहले आया 1, पहले आया 1, सेकंड में लास्ट डिजिट क्या आया 4, थर्ड में लास्ट डिजिट क्या आया 9, फोर्थ में लास्ट डिजिट क्या आया 6, फिफ्थ में 5, अगेन 6, तो 6 तो लिखा हुआ है पहले 9, 9 भी लिखा हुआ है 4, 4 भी लिखा है 1, तो 1 भी लिखा है।
मीन्स अगर किसी का भी स्क्वायर हो रहा है ना, अगर किसी का स्क्वायर हो रहा है तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा ना, तो 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा या तो 5 होगा। इन 5 के बिना तो होगा ही नहीं, तो आप फाइंड करो। तो यहाँ पे क्या है, 1 0 5 7 7। लेकिन हम कभी भी किसी का स्क्वायर करते तो लास्ट में 7 तो आता ही नहीं है। यहाँ पे लास्ट में 7 है, कभी भी नहीं दिया है ना। तो ये आंसर हो गया कि 7 तो किसी का स्क्वायर करने के बाद भी नहीं आता। 3, तो यहाँ पे भी कभी भी 3 आता है, देखो लास्ट डिजिट में 3, तो कभी भी नहीं आता, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर। 8, तो यहाँ पे 8 आता है, देखो 1 4 9 6 5, 8 भी नहीं है, तो 8 नहीं है तो कैसे परफेक्ट स्क्वायर होगा। 2, तो 2 है यहाँ पे, 1 4 9 6 5 6 9, यहाँ पे 2 भी नहीं है। तो यही इसका रीजन है कि यहाँ पे जो लास्ट डिजिट आपके बचते हैं ना, यहाँ पे जो भी लास्ट डिजिट बचते हैं वो इन 5 नंबर में से नहीं है। अभी देखो 0 की बात करते हैं, 0 की। तो देखो 0 में हमने क्या बताया था, 64। चलो एक एग्जांपल बता देता हूँ, 64000। तो 64 तो वो तो 8 का है, वो तो हमको पता है, लेकिन यहाँ पे 3 जीरो है। हमने बताया था कि जब भी आप किसी का भी स्क्वायर करोगे तो 10 का 20 होगा, 2 होगा तो उसका 4 होगा, 4 होगा तो उसका 8 होगा, लेकिन यहाँ पे 3 दिया है तो 3 जीरो तो कभी भी पॉसिबल नहीं है स्क्वायर में। वैसे ही यहाँ पे देखो 2000, तो यहाँ पे भी 3 जीरो है। अगर देखो यहाँ पे 2 जीरो होते ना, 64000, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाता किसका, 80 का। लेकिन यहाँ पे 3 जीरो दिए है, इसलिए ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो ये एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 में भी हमने 10 क्वेश्चन देखे, और क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने 8 क्वेश्चन देखे। तो ये आप ऐसे कॉल कर सकते हो।